उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से प्रभावित प्रदेश के 9 जिलों के किसानों को तत्काल राहत राशि दें। पैसा प्राथमिकता पर सीधे उनके खातों में स्थानांतरित किया जाए। ये निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार राजभवन में वर्चुअल मोड पर लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान दिए। 2 घंटे के लंबे एलजी मुलाकात कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कई लोगों की शिकायतें सुनकर उनके निवारण के लिए मौके पर निर्देश दिए। उन अधिकारियों को विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। लंबी असमंजस के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आखिरकार सोमवार देर रात मेडिकल दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। जम्मू के तन्मय गुप्ता, तेलंगाना के मृणाल कट्टेरी और महाराष्ट्र की कार्तिका जी नायर को टॉप घोषित किया गया है। तीनों अभ्यर्थियों ने 720 अंकों की कुल परीक्षा में 720 अंक हासिल किए। टॉपर के लिस्ट में चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश के अमन कुमार त्रिपाठी रहे, जिन्होंने 716 अंक हासिल किए हैं। भाजपा के प्रदेश सचिव और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा टी20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच में भारत की हार पर कश्मीर में जश्न मनाने वालों के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी से विवादों में घिर गए हैं। इस जश्न की निंदा करते हुए रंधावा ने कहा कि ऐसे तत्वों की खाल उधेड़ लेनी चाहिए। वही भाजपा ने मामले का संज्ञान लेते हुए रंधावा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। विक्रम रंधावा के खिलाफ त्रिकुटानगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 258A और 85A सब सेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये धाराएं किसी समुदाय विशेष के धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलकर नफरत फैलाने पर लगाई गई हैं। ये धाराएं गैर जमानती हैं। के प्रति स्नेह पाला हुआ है, मुझे लगता है कि एजेंसी बहुत मुस्तैद है, इसको कैजुअली नहीं लिया जा रहा है। यकीनन हमने शुरू से डिमांड की है कि इनकी डिग्रियां तो कैंसिल करनी ही करनी है, इनकी नागरिकता भी कैंसिल करो और इनको मार मार के इनकी खाल उधेड़ दो। खाल वो कल एक दूसरे काफिर मुल्क से ये जीता है पाकिस्तान, तब तो इनकी मां मर गई थी सबे कश्मीरी कठमुल्लों की, कहां मर गए थे कल जी। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी हिंसा, टेरर फंडिंग, राष्ट्रद्रोह, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसे मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश जांच एजेंसी का गठन किया है। एसआई भी प्रदेश में आतंकी हिंसा और राष्ट्रद्रोह समेत सभी संबंधित मामलों की जाँच में एनआई व अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा समन्वय बनाते हुए नोडल एजेंसी की भूमिका निभाएगी। पुलिस के सीआईडी वर्ग का प्रमुख एसआईए के निर्देशक होंगे। वे अपने कार्य अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध अपनी सभी शक्तियों और समय समय पर अधिकारों के अनुरूप कार्य करने में समर्थ रहेंगे। जम्मू कश्मीर में डेंगू की दहशत बनी हुई है। 3 जिलों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 2 दिनों में ही डेंगू के 103 मामले दर्ज हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 929 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। मलेरिया विभाग को उम्मीद है कि तापमान कम होते ही मामले आना कम हो जाएंगे, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जीएमसी और एसएमजीएस अस्पतालों पर दबाव पड़ा है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार और सोमवार को डेंगू के 103 मामले आए, सोमवार को 52 और रविवार को 51 मामले आए थे। इसके साथ ही अब अकेले जम्मू जिले में ही डेंगू से पीड़ित होने वालों की संख्या 603 हो गई है। वहीं कठुआ जिले में 171 और सांबा में 85 मामले आए। एक सप्ताह से तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं। रविवार को 95 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,35,249 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 69 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,26,815 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए 95 लोगों में से 79 कश्मीर और 6 जम्मू संभाग के हैं। भारत ने वर्ष 2017 तक अपने देश में
नेट जीरो इमिशन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के शहर ग्लासगो में विश्व जलवायु परिवर्तन पर चल रही वैश्विक बैठक COP26 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर भारत को पहला विकासशील देश बना दिया है जिसने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर इस तरह का साहसिक कदम उठाया हो। इस ऐलान का सीधा सा मतलब ये है कि अगले 49 वर्षों में भारत प्रदूषण करने वाले सारे ऊर्जा संसाधनों जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला व गैस का उपयोग पूरी तरह से बंद कर देगा और इसकी जगह स्वच्छ रिन्यूएबल ऊर्जा साधनों का ही उपयोग करेगा। इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने विकसित देशों को ये भी कहा कि उन्हें पर्यावरण अनुकूल तकनीकी के हस्तांतरण व इसके इस्तेमाल के लिए वित्त मुहैया कराने को लेकर भी ज्यादा उदारता दिखानी होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन की सामना करने की तैयारियों के बीच सेना की स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज ने दुश्मन पर हवा से घातक प्रहार करने की क्षमता का परिचय देते हुए शून्य से 20 डिग्री नीचे के तापमान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैरा जंप किए। लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की तैयारियों के बीच सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड की पैरा रेजिमेंटो ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख के उत्तरी सीमाओं पर दिखाया कि किस तरह से हथियार, आधुनिक उपकरण लेकर दुश्मन पर हवा से वार करने के लिए पैराशूट से त्वरित हमला कर सकते हैं। बर्फीली रेगिस्तान लद्दाख का कोई घर बिना जल ना रहे इसके लिए लद्दाख प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त तक पूरे लद्दाख के हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य है। लद्दाख में इस समय शून्य से नीचे तापमान पहुंच चुका है और कारगिल के द्रास स्थित बंद्रास ब्लॉक में भी पीएचई कर्मी खून जमा देने वाली ठंड में दूर दराज के इस इलाके में पानी के पाइप बिछाने में जुटे हुए हैं। लद्दाख के प्रशासनिक सचिव अजीत कुमार साहू ने भी इस इलाके में काम कर रहे पीएचई कर्मियों का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिसमें बर्फ से लदे पहाड़ों और रास्तों के बीच पीएचई कर्मी पानी के बड़े बड़े पाइपों को उठाकर ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। सतर्कता जागरूकता पहल की श्रृंखला में जम्मू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से कठुआ जिले के इंडियन पब्लिक स्कूल में भ्रष्टाचार से लड़ने में एक नागरिक की भूमिका और जिम्मेदारियां विषय पर अंतर विद्यालय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 4 अलग अलग स्कूलों के 11 विद्यार्थियों ने संगोष्ठी में भाग लिया और भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में समाज की भूमिका और भ्रष्टाचार के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय उपायों पर चर्चा की।